लो जी दोस्तों, आज बादशाह भाई जी के पास आए, इन्होंने बुलाया है। इन्होंने कोई नया नुस्खा निजात कराया है जो कि सभी बीमारियों को काट देता है, और बाकी बताएंगे। देखो, इन्होंने बहुत सारी मिट्टी ऊपर ला के रख रखी है। और बताओ जी बादशाह भाई जी, क्या है ये नुस्खा आपका? ये सुशील जी, हमने 15 गमले गेहूं के, 1 गमला डेली बोना है। हर रोज 1 गमला बोना है? हाँ। अच्छा, ये आपने गेहूं बोई है? ये गेहूं बोई है। अच्छा, ये फिर एक दिन में अंकुरित हो जाती है? ये अंकुरित हो चुके हैं परले तो? हाँ, ये कुछ अंकुरित हो चुके हैं, कुछ ही अंदर, ये छाया में रखने हैं। अच्छा, छाया में रखने हैं, धूप में नहीं रखने हैं? धूप में नहीं रखने, ये देखो। अच्छा, ये मिक्सी भी रख रखे हैं इन्होंने? अच्छा, 1 गमला हमने डेली बोना है। 1 गमला डेली बोना है? जब 15वां गमला बोएंगे, हाँ, तो उसमें पहले गमले में जितनी गेहूं होगी, जिस दिन आप 15वां गमला बोओगे, 15वें गमले में बोओगे, तो पहले वाले में, जो पहले दिन वाला होगा, हाँ, उसमें इतनी बड़ी गेहूं हो जाएगी, मतलब ठीक जितनी बड़ी ये है, जितनी बड़ी ये है। ओके, रिपोर्ट यानी ये सीरियल वाइज रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 1 गमला डेली उखाड़ना हमने जड़ से। 1 गमला फिर जो 15 दिन वाला था वो डेली उखाड़ना है? अच्छा, ये 15 दिन वाला था जो 15 दिन पहले उगाए थे इन्होंने, तो आज इन्होंने वो गमले के सारे जितने थे वो उखाड़ लिए। हाँ जी। अब इसको हम अच्छी तरह पानी में धो के, अच्छा अच्छी तरीके से धो के, और जड़ें इसकी कट कर देंगे? नहीं, जड़े जड़ों समेत। अच्छा, और इसको अच्छी तरह कुतरा करके, हाँ हाँ, ग्राइंडर में, हाँ हाँ, और इस मिक्सी ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाल के, और बड़ी अच्छी तरह इसको, जितना इसका जूस है वो निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये परजेंट है, 15 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए यूज करते हुए। अपने ये घर की सीढ़ियों में ऊपर नहीं आ सकता था, मेरी टांगों में दर्द था, इतनी वीकनेस थी यानी। तो आज मैं कम से कम भी 5-10 दफा ऊपर आता हूँ, बड़े आराम से। तो मिक्सी में ग्राइंड करो, कुछ नहीं करना है, बस पी लेना है वो। हाँ, पानी डाल के इसमें थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड करो अच्छी तरह से। अच्छा, जो छलनी है इसको अच्छी तरह से, ऐसे जो निकलेगा ना इसमें, उसको ऐसे दबा दबा के, अच्छा निचोड़ देना है, मतलब पूरा निचोड़ देना है, पूरा जूस निकाल देना है, मतलब कहने का भाव। पानी कितना डालना है? जैसे इतनी का है इसमें, बस 1 गिलास। ये 1 दिन के गमले का है माल? ये 1 गमले का माल है। अच्छा, जो आज से 15 दिन पहले बोया था? हाँ। ओके जी, उसको आप यूज करो, पी जाओ, और 15 दिन बाद अपने रिजल्ट देखने शुरू कर। अच्छा जी, 3 महीने का कोर्स है। तीन महीने में फिर 15 दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, क्योंकि पहले वाला गमला बोया है और 15 दिन तक आया ना। हाँ। तो हमारे पास पे वो व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसमें आवाज थी पंजाब के सीएम मनिंदर सिंह की। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ तो मैं ये हॉस्पिटल ही बंद हो सकती है। अच्छा, यानी जो अंग्रेजी, तो ये मतलब सारी बीमारियों का एक रामबाण इलाज है? रामबाण इलाज। अच्छा जी, देखो चोट फोट लगती है, एक्सीडेंट, वो चीजें अलग है, कटी फिटी अलग चीज है, तो वो तो चीज अलग है, लेकिन जो शरीर में कोई कमी है किसी तरह की, उसको ये सब ठीक कर देता है। देखो, ये तो बिल्कुल नेचुरल आयुर्वेदिक है एक तरह से। हाँ जी। तो चलो, ये बड़ी खुशी हुई, मैं आपका ये वीडियो जरूर शेयर करूंगा अपने सभी साथियों के साथ में। ये मिक्सी ग्राइंडर रख रखे आपने, पूरी योजनाबद्ध किया है कार्य सारा, बहुत बढ़िया। इसको छाया में रखना है, और दूसरा इसको, अगर इसको साबुत है इसमें मिक्सी में डाल दें तो मिक्सी को जाम कर देगी, इसके काट के टुकड़े करके। हाँ, टुकड़े करके, समझ गया। बस ये 1 गिलास के 2 हिस्से करो, एक आप पी जाओ, एक घर में। बहुत अच्छी बात है हंसराज जी, बड़ी अच्छी बात है। और साथियों, ये हमारे हंसराज जी हैं, ये रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, अभी एक साल हो गया ना, एक साल हो गया सेवा इनको वहाँ के, अपने निवृत्त हुए, और अभी ऐसे ऐसे नुस्खे अपना रहे हैं। इनके घुटनों में बहुत पेन रहता था, और ये जैसे आपको बताया गया, ये 15 गमलों वाला सिस्टम, और मिक्सी जूसर ग्राइंडर में इसका जो ताजे अंकुरित होते हैं 15 दिन पुराने, इसके गेहूं के वृक्ष, पेड़ कह सकते हैं छोटे पौधे, इनका जूस पीने से इनको बहुत लाभ हुआ, और आप भी अपना के देखो। ठीक है भाइयों, सभी साथियों को जय श्री राम। फैट नहीं होने देगी, हाँ, और कोई कैंसर टाइप की बीमारी नहीं होने देगी। बहुत अच्छी बात है हंसराज जी, ये कैंसर के लिए विशेष। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, बाकी हर तरह का इलाज रामबाण है। ठीक है हंसराज जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद।